यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसे फैसले और पहल कर रहे हैं जिसकी चर्चा काफी हो रही है। ऐसी ही एक पहल उन्होंने किन्नरों के लिए की है। खबर योगी के गृह नगर गोरखपुर से है, जहां पर योगी की पहल पर सिटी बस सेवा में किन्नरों को नौकरी दी गई है। जी हाँ, शुरुआत 3 किन्नरों के साथ हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि पूरे किन्नर समाज के मन में अब ये उम्मीद जग गई है कि आने वाले दिनों में उन्हें भी इसका फायदा होगा। भर भर कर योगी आदित्यनाथ को किन्नरों की तरफ से दुआ भी दी जा रही है। अब किन्नर नेक के भरोसे नहीं रहेंगे, बल्कि नौकरी कर खुद को स्वावलंबी बनाएंगे। गोरखपुर में किन्नरों को समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ किन्नर कल्याण बोर्ड की पहल पर गोरखपुर के इलेक्ट्रिक बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन पर किन्नरों की तैनाती हो रही है। नगर निगम ने इसके लिए 3 किन्नरों को इंटरव्यू के जरिए चुना है और अब ये तीनों किन्नर इलेक्ट्रिक बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन पर तैनात होने जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक बसों की स्पीड पर नजर रखने के साथ ही दूसरी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। नौकरी पाने के बाद ये काफी खुश हैं और सीएम योगी को बधाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये किन्नरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की योगी की पहल के चलते ही संभव हुआ है। बहुत अच्छा लगा कि योगी जी के राज में ट्रांसजेंडर भी जॉब कर सकते हैं, जो एजुकेटेड हैं वो जॉब कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पिछड़ी समाज के लोग आज तक जो लोग एजुकेटेड हैं और नहीं एजुकेटेड हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज हम लोगों का इंटरव्यू हुआ। हमारे लिए गोरखपुर में बहुत बड़ी पहल है कि हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए पहली बार ऐसा योगी जी द्वारा हम लोग को सेवा का अवसर मिला है, जिनमें हम लोग 3 लोग सेलेक्ट हुए हैं और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सिटी बस सेवा में इन 3 किन्नरों को नौकरी मिलने से पूरा किन्नर समाज न केवल गौरवान्वित हुआ है, बल्कि सब में आशा जगी है कि वो भी किसी न किसी रूप में समाज और देश में योगदान दे सकते हैं। विनीत, गोरखपुर, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उस पुलिस थाने की जिसे बेस्ट थाने का अवार्ड मिला है। संगरूर के छाजली पुलिस थाने को पंजाब के सर्वोत्तम पुलिस थाने के रूप में चुन लिया गया है। थाने ने 2021 के दौरान 100 से भी ज्यादा पैरामीटर्स को पूरा कर ये खिताब अपने नाम किया है। गृह मंत्रालय ने थाने को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया है। यह है संगरूर का छाजली पुलिस थाना। अब ये कोई आम थाना नहीं रहा, बल्कि अपने काम की वजह से सुर्खियों में आ गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से सालाना रैंकिंग में इस थाने को पंजाब का सर्वोत्तम पुलिस थाना चुना गया है। थाने को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। छाजली थाना क्यों चुना गया, सुनिए खुद डीएसपी की जुबानी। जो टॉप 10 की सिलेक्शन है वो थाने में जब आते हैं तो सर्वे करते हैं आम लोगों के साथ, जो थाने के एरिया में गांव पड़ते हैं और जो और एरियाज हैं उनमें जाके वो बातचीत करते हैं लोगों के साथ, और जो कंप्लेंट्स रहती हैं हमारे पास उन कंप्लेनेंट्स को बुलाया जाता है और पार्टीज़ को बुला के उनसे जनरल फीडबैक लिया जाता है, तो इसके बेस पे सिलेक्शन हुई थी। छाजली थाने ने 2021 के दौरान 100 से भी ज्यादा पैरामीटर्स को पूरा कर ये खिताब पाया है। सर्वे में यहाँ के कर्मचारियों और अधिकारियों की पब्लिक डीलिंग भी जबरदस्त पाई गई है। यही वजह है कि स्थानीय लोगों को भी थाने से कोई दिक्कत नहीं है और वो अपने थाने को मिले इस सम्मान से काफी खुश हैं। बहुत खुशी हुई जो सानू पता लग गया भारत सरकार दे गृह मंत्रालय वालों साढ़े थाने नू दर्जा एक दे लिया गया, बड़ी खुशी। प्रशासन की बहुत वधिया कारगुजारी रही जी, मतलब लोगों का प्रशासन का बहुत वधिया सहयोग रहा जी, यही देना जी। सर्वे में सबसे पहले 75 पुलिस स्टेशन को शॉर्टलिस्ट किया गया और आखिर में भारत के टॉप 10 थाने चुने गए, जिसमें ये थाना शामिल है। छाजली थाना 100% अपडेट पाया गया। महिलाओं के लिए यहाँ विशेष सुविधा तो है ही, महिलाओं से जुड़े केस भी तुरंत निपटाने का रिकॉर्ड दिखा है। अधिकतर शिकायतें थाने में 24 घंटे में निपटा दी गई। कुल मिलाकर थाना अप टू डेट है, कर्मचारी अधिकारी और लोग खुश हैं कि थाने का नाम हुआ। अधिकारी कर्मचारी अब और जिम्मेदारी के साथ काम करने के इच्छुक हैं ताकि थाने और गाँव का नाम रोशन हो सके। विक्की भुल्लर, संगरूर, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लिए चलते हैं पहाड़ों की सैर पर। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में इन दिनों सैलानियों का जमावड़ा लगने लगा है। टूरिज्म सेक्टर भी इससे फलने फूलने लगा है। खास बात यह है कि केरन सेक्टर की सीमा इलाकों में स्थानीय लोगों ने सैलानियों के लिए स्टे होम की सुविधा शुरू की है, जिससे इनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। दरअसल जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सेना और राज्य पर्यटन विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने के साथ ही धरती की जन्नत गुलजार होने लगी है। ये हरी भरी वादियाँ
ये कल कल बहती नदियाँ सैलानियों को अपनी ओर बुला रही हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा का ये है किरण सेक्टर। नियंत्रण रेखा के करीब मौजूद ये इलाका सालों तक आतंक के साए में रहा, लेकिन सीमा पर शांति के साथ ही अब इस इलाके की मनोरम छटा निखरने लगी है। सैलानियों से ये इलाका आबाद होने लगा है, जिससे राज्य का पर्यटन उद्योग भी फले फूलने लगा है। रहने वाले लोग भी पर्यटकों के आ जाने से खासे उत्साहित हैं। स्थानीय लोगों ने अपने घरों को उनके लिए होम स्टे में बदलना शुरू कर दिया है। 28 साल के वकार खान ने पिछले महीने अपने 3 मंजिला घर को होम स्टे में बदल दिया। किसी होटल की तरह ही उन्होंने अपने घर पर सारी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। मुंबई से आए पर्यटक इनके होम स्टे में ठहरने वाले पहले मेहमान बने हैं। यहाँ का जो लोकल कश्मीरी ट्रेडिशन है जस्ट लाइक वाजवान, वो भी हम यहाँ पे मुहैया करा सकते हैं। बाकी जो मेन चीज़ें होंगी वो हम दे सकते हैं, उनके लिए हमारे पास हर एक चीज़ अवेलेबल रहेगी। इस घर से किशन गंगा नदी की कल कल बहती जलधारा के साथ साथ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी नजर आता है। किशन गंगा नदी के दूसरे किनारे पर मौजूद पाकिस्तान का नीलम गांव इलाका यहां से साफ नजर आता है। ये पहला बॉर्डर होटल है जिसे कश्मीर के सीमावर्ती इलाके में शुरू किया गया है, जहां पर्यटकों को प्रवेश की अनुमति है। कश्मीर घाटी में सीमा पर पर्यटक काफी बड़ी संख्या में पहुंचे, इसके लिए भारतीय सेना भी पूरा सहयोग कर रही है। सेना ने नियंत्रण रेखा पर अधिकांश क्षेत्रों में प्रतिबंधों में ढील दे रखी है। इसके अलावा सेना के सहयोग से जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग हर साल किरण उत्सव का आयोजन भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।